दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय में बुधवार को NSUI संगठन के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल को छात्रों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। NSUI संगठन नौणी इकाई के सदस्य अभिषेक ने बताया कि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला पहले भी उठाया जा चुका है, ऐसे में फीस कम की जाए इसको लेकर ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति राज्यपाल हैं, ऐसे में विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलने वाले स्टाइफन में भी बढ़ोतरी की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जाए। हमने यहाँ नौणी विश्वविद्यालय इकाई की तरफ से आज गवर्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है छात्रों की मुख्य 9 मांगों के लेकर, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो फीस है उसमें जो हम कमी चाहते हैं, क्योंकि फीस जो है वो आज की डेट में अगर जो इंसान है वो कहीं वेरियस सोशल बैकग्राउंड से आता है तो उसमें हम उनसे फीस में रिडक्शन की मांग की है। यहाँ पे बच्चों को स्टाइफंड मिलता है उसकी इंक्रीज़ के लिए हमने उनसे डिमांड की है। उसके अलावा जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि जिमनेजियम है, लाइब्रेरी है, इस यूनिवर्सिटी में तो वो सुविधाएँ सब बच्चों के पास है, लेकिन जो एडजॉइनिंग कॉलेजेस हैं जैसे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी है, थुनाग है, तो वहाँ पर भी हमने साइमल्टेनियसली इन्हीं चीज़ों इन्हीं सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए गवर्नर साहब से बात की है और हमारे को गवर्नर साहब से ये आश्वासन मिला है कि वो सरकार के साथ मिलकर इन सभी कामों पे एक अच्छा आउटपुट हमें देंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।